नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चल रही टिकट की टिक-टिक के बीच शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन द्वारा लिखे गए एक पत्र ने सनसनी मचा दी। जैसे ही सोशल मीडिया में यह पत्र वायरल हुआ, भाजपा के सभी बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता चौंक गए। पत्र के बाद सभी नेता लोकसभा अध्यक्ष से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जारी किया गया पत्र उन्हीं की ओर से जारी हुआ है और अब वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। आखिर क्या कहा ताई ने, आइए दिखाते हैं हम आपको इस खास पेशकश में। वहीं लंबी चर्चा के बाद ताई ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पत्र में लिखी थी। ताई ने कहा कि पत्र उन्हीं की ओर से जारी हुआ है और यह कोई दबाव की राजनीति नहीं है। पार्टी में किसी भी प्रकार का असमंजस ना रहे, इसे लेकर यह पत्र जारी किया गया है। अब पार्टी निश्चिंत होकर अपने प्रत्याशी का चयन कर सकती है। पार्टी कार्यालय में मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पत्र की कॉपी भेजी है, बिल्कुल एनवेलप में डाल के अभी रवाना कर दी। यहाँ भी मैंने गोपी कृष्ण कुमार जी के देख में है, उनको दे दी, इसलिए मैंने अभी तक आपसे नगर अध्यक्ष को दे दी है। ये तो मेरा निर्णय है कि आपको कहीं ऐसा संकोच हो रहा हो तो संकोच। वहीं सुमित्रा महाजन ने यह बात भी दोहराई कि उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं है, अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज सोच समझ के मैंने ये निर्णय, हम कहते हैं ना किसी को चिंता मुक्त करें, तो मैं पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है, पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो वो मेरी तरफ से मैंने दे दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं, आप निर्णय कर। सुमित्रा महाजन से चर्चा करने पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि ताई पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है उसमें हर कार्यकर्ता उनके साथ है। वहीं उन्होंने ताई के मन में नाराजगी होने की बातों को भी नकारा। देखिए, ताई जी ने जो फैसला लिया है और जो उन्होंने बड़े दिल से अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व को रखी, मैं समझता हूँ उन्होंने जो यहाँ जो असमंजस की स्थिति थी उससे पार्टी को उबारने के लिए उन्होंने बड़े दिल से अपनी बात रखी और मैं समझता हूँ कि आज ताई ने भी आप सबसे चर्चा की और ताई ने अपनी बात रखी और तो जो पार्टी जो भी केंद्रीय नेतृत्व जो डिसीजन। वहीं महापौर मालिनी गौड़ ने भी ताई के निर्णय से पार्टी में असमंजस खत्म होने की बात कही। सभी पार्टी संगठन यहाँ ताई जी के पास आए थे, ताई जी ने एक पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे नगर अध्यक्ष जी को, उसमें उन्होंने जो लिखा आप सभी को बताया है, उसमें पार्टी असमंज में नहीं रहे, इसलिए बोले मैंने ये पत्र। आपका भी नाम प्रबलता से चल रहा है सांसद के लिए, वो सब पार्टी संगठन हमारे अनुरोध। इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष को भी सुमित्रा महाजन ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजे पत्र की प्रति सौंपी। काफी देर तक भाजपा के कई नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा भी की, लेकिन बाद में सभी ने ताई के इस पत्र को उनका निर्णय बताया। सभी नेताओं ने कहा कि ताई पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यह पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व को एक दुविधा से उभारने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।